ये महिला सो रही होती है तभी उसे बारिश होने की आवाज आती है। वो उठ के देखती है कि बारिश उसके ऊपर हो रही होती है और बारिश भी धीरे धीरे तेज होने लगती है। फिर महिला टेबल में बैठ के सुबह का नाश्ता खा रही होती है और साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, लेकिन उस महिला के ऊपर बारिश बहुत तेज हो रही होती है। फिर महिला ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और साथ ही बारिश भी उसके ऊपर बहुत हो रही होती है। जैसे तैसे वो तैयार होने की कोशिश करती है, फिर वो ऑफिस जाने के लिए बस का उपयोग करती है, लेकिन बस में भी उसके ऊपर बारिश होती रहती है, लेकिन सभी लोग उससे सामान्य तरीके से पेश आते हैं। फिर वो अपनी घड़ी में समय देखती है, लेकिन बारिश की वजह से महिला की घड़ी भी खराब हो जाती है। बस से ऑफिस पहुंचने के बाद वो लिफ्ट से ऊपर जाती है जहां उसके ऑफिस का काम होता है। महिला अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रही होती है, लेकिन बारिश बहुत तेज होने के कारण महिला के चश्मे में पानी चला जाता है। महिला अपने चश्मे को साफ करती है, लेकिन उसके साफ करने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो चश्मे को किनारे रख देती है। और तभी एक दूसरी महिला उसके पास आती है और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ उसे कुछ काम करने को देती है, लेकिन बारिश इतनी तेज गिर रही होती है कि उसके सभी कागज गीले होने लगते हैं। महिला कागज को अलग अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन कागज पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। बारिश के कारण उसके कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर वो पानी पीने के लिए एक आदमी से ग्लास लेती है। ऑफिस के बाद वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन बारिश के कारण उसके खाने की प्लेट में पानी भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो खाने को खाती है। उसके पीछे बैठे लोग उसे देख रहे होते हैं कि सिर्फ उसके ऊपर ही बारिश क्यों हो रही है। वो महिला हंसते हुए अपना खाना खाती है, तभी अचानक से एक आदमी उसे पूछता है कि उसे किसी तरह की मदद चाहिए। वो महिला उसे हंसते हुए उसे मना कर देती है। महिला उस आदमी को खाने का बिल लाने के लिए बोलती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब वो बाहर जाती है तो अचानक से सभी जगह बारिश होने लगती है, तो वो अपने बैग से एक छाता निकालकर अपने ऊपर लगा लेती है, लेकिन उसके बाद भी बारिश उसके ऊपर होती रहती है। फिर वो उस छाते को फेंक देती है और हंसते हुए अपनी किस्मत को अपना लेती है।